अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां आरसीए सचिव राजेंद्र सिंह नांधू ने रविवार को धिक्कार दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरसीए अध्यक्ष सीपी जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अध्यक्ष बने 2 साल हो गए और तीसरा क्रिकेट सत्र शुरू हो गया है, लेकिन सीपी जोशी ने इस दौरान कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं किए। वहीं नांधू ने आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि प्रदेश में क्रिकेट की दुर्गति के जिम्मेदार सिर्फ सीपी जोशी ही हैं। साथ ही कहा कि सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, इसलिए लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप उन्हें आरसी अध्यक्ष पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस नारे के साथ राजस्थान क्रिकेट के अध्यक्ष पद के दावेदार बनकर आए थे और उन्हें विजयश्री भी प्राप्त हुई कि जो बीसीसीआई ने राजस्थान क्रिकेट संघ को जो सस्पेंड कर रखा है, निलंबित कर रखा है, उसको मैं बहाल कराऊंगा, यहाँ की घरेलू क्रिकेट गतिविधियाँ चालू करवाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज 2 साल पूरे होने पर ना तो राजस्थान क्रिकेट संघ बहाल हुआ, ना घरेलू क्रिकेट चालू हो पाई। इस बात का हमें अफसोस है। आज राजस्थान के क्रिकेटर विगत 2 वर्ष से उनकी हत्या सी हो रही है।